बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC ST NTSC एवं ओलम्पियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन, NEET JET की स्पेशल तैयारी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनोल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का आईना, मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के देमी गांव में मां मनसा माता का विशाल मेले एवं भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया गया। इसी दौरान देमी गांव में श्री राठ सार्वजनिक गौशाला में वार्षिक उत्सव का भी आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान गायक कलाकारों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं गोसेवा समिति द्वारा आए हुए अतिथियों का फूलमाला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिलर, भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव, भाजपा नेता मोहित यादव, डॉक्टर नीलम यादव, डॉक्टर आरसी यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने गौ माता के वार्षिक उत्सव में शिरकत की और गौसेवा करने की बात कही। वहीं मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां मनसा के दरबार में पहुंचकर धूप लगाई। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष, बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत NEET JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड में सबसे टॉप और सिरमौर है। आज ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाई तमाम सुविधाओं से युक्त न्यू स्टेट एकेडमी। बहरोड कस्बे में सड़कों की लाइट खराब होने पर अंधेरे में शहर की स्थिति पर नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष ओम यादव ने उपखंड अधिकारी सचिन यादव को जल्द से जल्द रोड लाइटें सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ओम यादव ने बताया कि नगरपालिका बहरोड द्वारा बिजली विभाग को बकाया भुगतान संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, जिससे आमजन एवं नगरपालिका वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ओम यादव ने 72 घंटे का समय देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने 72 घंटे में व्यवस्था नहीं सुधारी तो उपखंड कार्यालय के सामने वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। साथ ही ओम यादव ने बताया कि जिसका जिम्मेदार उपखंड विभाग एवं नगरपालिका प्रशासन रहेगा। आपको बता दें कि ओम यादव ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी प्रशासन को दी है। इस दौरान शीशराम पोसवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उन्होंने जी इन साहब को साथ भेजा, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। पानी की समस्या इतनी भयानक स्थिति हो गई पैदा, एक तो बिजली विभाग ने नलकूप के कनेक्शन काट दिए, और वैसे भी पानी की इतनी भयंकर समस्या हो रखी है कि सारा बहरोड में त्राही त्राही गुजर रही है, और खास वार्ड की इतनी बुरी कंडीशन है कि पिछले 20 दिनों से पानी की हालत बेकार है, पानी नहीं आ रहा है। आप FIR दर्ज कराएं और जल्दी से जल्दी रोड लाइटें शुरू करें, क्योंकि हमारी माताओं बहनों को अंधेरे में जाना पड़ता है, रात को छोटे व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, शहर में आपराधिक और असामाजिक तत्वों का बोलबाला बढ़ रहा है। इसको लेकर 72 घंटे के अल्टीमेट के साथ में मैंने एक पत्र जो है शिष्टाचार के नाते उपखंड अधिकारी को दिया है, उससे शहर की समस्या से अवगत करें। क्या समस्या मिला SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी तुरंत प्रभाव से नगरपालिका ईओ और बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर तुरंत प्रभाव से मैं कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करता हूं कि 72 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी की रोड लाइटें चालू कराने के लिए नहीं होती तो ये उपखंड कार्यालय रहा, ये ओम यादव रहा, यहाँ SDM कार्यालय के सामने मैं अनिश्चितकालीन धरने के साथ लिए बैठूंगा 72 घंटे के बाद। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल गर्ल स्कूल के सामने बहरोड को एजुकेशन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक क्रिएटिव स्कूल फॉर क्रिएटिव चाइल्ड्स, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, ट्रेंड एंड डेडिकेटेड स्टाफ, होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, माइंड एंड बॉडी बैलेंसिंग क्लासेज, फ्री DMIT एनालिसिस, नो पनिशमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मेंटल एबिलिटीज थ्रू मेडिटेशन, क्रिएटिंग ए पाथ ऑफ नॉलेज। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल का एक कदम संस्कृति की ओर, क्योंकि संस्कृति ही हमारी पहचान है। आज ही अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे की बनाएं अलग पहचान। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय,
बहरोड अलवर सड़क मार्ग पर सोडावास पुलिया के पास सड़क दुर्घटना में दो बाइक सवारों की हुई दर्दनाक मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर बहरोड मुंडावर पुलिस मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक कैलाश चंद पुत्र प्रसादी लाल झिरका फिरोजपुर नूह, वह दूसरा मृतक हरिओम सैनी पुत्र चंद्राराम सैनी गांव रामगढ़ अलवर का रहने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो बाइक पर छह लोग सवार थे। आगे चल रही बाइक पर मृतक कैलाश चंद सैनी और उसका पिता प्रसादी लाल, छोटा भाई और उसका बेटा बैठा हुआ था, जबकि हादसे वाली बाइक पर मृतक कैलाश चंद, मृतक हरिओम और राजेश बैठे हुए थे। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भरतरी रोड बहरोड, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नौदय व ओलंपियाड, मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी, IIT नीट के अलग से बैच प्रारंभ, आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं, फैसला आपके हाथ। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के आमोठ गांव में मसाणी माता मेले में भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि PCC सचिव ललित यादव रहे। इस मौके पर ललित यादव ने मसाणी माता से युवा, बेरोजगार एवं समस्त ग्रामवासियों की अमन चैन एवं सुख समृद्धि की कामना करते हुए मसाणी माता के चरणों में हाजिरी लगाई। वहीं मौके पर ईश्वर यादव पूर्व प्रधान, भीमराज जिला पार्षद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन रामपाल यादव सरपंच एवं हनुमान नेताजी पूर्व प्रधान ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी कलाकारों द्वारा सुंदर धार्मिक भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। साणी माता के चरणों में हाजिर लगाता हूँ कि हमारे इस इलाके में खुशियाँ है, हमारे यहाँ के किसान के घर में खुशियाँ है, नौजवान के घर में खुशियाँ है, हमारा नौजवान आगे बढ़े, पढ़ लिख करके इस इलाके का नाम रोशन करे, अपने बूढ़े व बाप की बुढ़ापे की रोटी बने, उनका सहयोग करे, ऐसी मैं माता के चरणों में कामना करता हूँ कि हम सबको माता का आशीर्वाद मिले, साथ के साथ मुझे भी आशीर्वाद आपके साथ मिले कि मैं भी आपकी सेवा मजबूती के साथ कर सकूं। ये बात कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है मोम्स किचन। जीभ का स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो चाटते रह जाओगे। 100% प्योर वेजिटेरियन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बेकरी सहित सभी प्रकार के फास्ट फूड एवं स्पेशल लाजवाब थाली। पता नारनोल रोड नियर MS कलर लैब बहरोड। तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSE, सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।